नमस्कार, मैं कृपा सिंह, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से राबड़ी आवास पे मनाया जा रहा है। वही आपको बता दे चले कि पूरे बिहार ने, पूरे देश में उनको चाहने वाले लोग अलग अलग अंदाज में उनका जन्मदिन विशेष रूप से मना रहे हैं। आपको बता दे चले कि RJD कार्यालय के बाहर सुबह से ही ब्लड डोनेट कैंप का भी आयोजन किया गया है राबड़ी आवास पे। तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं, कल शाम से ही उनको मुलाकात करने के लिए उनके आवास पे ताता लगा। तमाम नेता मंत्री वहाँ पर पहुँचे। आपको तस्वीर के माध्यम से भी हमने दिखाया कि किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम जो RJD के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और हमने आलोक मेहता से भी बात की जो बिहार सरकार के राजस्व मंत्री हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा देश और पूरे राज्य में लालू जी के बड़ी संख्या में शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं। जो समर्थक नहीं भी हैं वो उनके विचारों का मन ही मन लोहा मानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, सभी दलों में, महागठबंधन से सभी दलों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता में भारी खुशी है कि लालू प्रसाद जी विगत वर्षों में जो अस्वस्थ थे, आज काफ़ी अच्छी स्थिति में आज हम लोग के बीच हैं। और आज उनका 76वां जन्मदिवस, ऐसा लगता है कि फिर से लौट कर लालू प्रसाद जी लोगों के बीच आ रहे हैं। और इसका राजनीतिक, सामाजिक हर तरह का अच्छा प्रभाव समाज के बीच काफ़ी अहम है। अगले साल 24 जुलाई होनी है, आपको लगता है कि विपक्षी एकता की मुहिम को भार मिलेगी लालू प्रसाद से? लालू प्रसाद जी के देखते हैं, लेकर बाहर महसूस करते हैं हमारी एक छत्र छाया मौजूद है। और उस देश में जो डेमोक्रेसी विगत वर्षों में जो उसको तार तार करने की कोशिश की जाती रही है, अब डेमोक्रेसी बच जाएगा और लोग मैंने फिर से डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी है, उसमें लालू जी जैसे लोगों की आवश्यकता है। यह देश सांप्रदायिकता के बोध में है, उसको अगर बचाएगा तो लालू सरीखे लोग ही बचा सकते हैं, इसलिए हम लोग उनकी और लंबी आयु की कामना करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से आलोक मेहता राजस्व मंत्री हैं, जो उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से जन्मदिन जो है गरीबों को मसीहा लालू प्रसाद यादव ने जो काम करने का काम किया, गरीबों के बीच जाने का, उनका साफ साफ कहना था कि जो लोग गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़ते रहे उनका जन्मदिन हम लोग गरीबों की सेवा के लिए समर्पित है। उनका साफ साफ कहना कि जो उन्होंने काम किया है वाकई काली तारीफ है। जो जीवन में उन्होंने गरीबों के लिए पहचान दिया था, गरीबों का नाम दिया था। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।